नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज की ये जो कहानी है वो एक सच्ची कहानी है। ये जिस किताब से ली गई है उसका नाम है बॉर्न अगेन। ये एक कपल की कहानी है, इसको हम नाम देते हैं डैनियल और समंथा। डैनियल और समंथा को दोस्तों टोटल 3 बच्चे थे, 2 बेटे और 1 बेटी। जो बेटी थी उनकी उसका नाम था एलेक्सेंड्रिया। एलेक्सेंड्रिया के साथ दोस्तों ऐसी प्रॉब्लम थी कि जब वो 5 साल की हुई थी तब उसको एक बहुत ही बड़ी बीमारी हो गई और वो अचानक ही इस दुनिया से चली गई। जब वो इस दुनिया से चली गई तब इनको बहुत ही बड़ा शॉक लगा और वो उसकी माँ हमेशा रोती रहती थी। लेकिन एक रात को दोस्तों कुछ अजीब हुआ। इसकी माँ जब सोई थी रात को तब उसको एक सपना आया कि उसकी बेटी उससे कह रही है कि वो फिर से जन्म लेगी इस घर में और तुम्हारी ही मैं बेटी बन के ज़रूर आऊँगी। और जब उसको ये सपना आया तब वो एकदम अचानक जाग गई और अचानक जागने के बाद दोस्तों उसका जो बाहर का डोर था उसमें 3 बार किसी ने नॉक किया। इसके जो पति था उसको भी वो नॉक जो किया था वो सुनने आया था और उसके जो 2 बच्चे थे उनको भी सुनने आया था। इस वजह से इसकी जो माँ थी समंथा उसको समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। लेकिन वो एक ऐसे औरत को जानती थी जो आत्माओं के साथ ऐसे संपर्क कर सकती थी, तो इस वजह से डैनियल और समंथा उस औरत के पास चले गए। जब उस औरत के पास चले गए तब उस साइकिक ने उसको ये कहा कि उसकी जो बेटी है जो एलेक्सेंड्रिया है वो इसके साथ संपर्क कर रही है, साइकिक के साथ। और साइकिक को उसने बहुत सारी बातें कही, वो बहुत ही महत्वपूर्ण बातें हैं। उसने ये कहा कि मैं फ़िलहाल यहाँ पर बहुत खुश हूँ और मैंने फिर से अपने माँ के गर्भ में जन्म लेने का फैसला किया है। लेकिन उसने एक बात अजीब सी कही कि मेरे साथ एक मेरी दोस्त आत्मा भी है, मेरी एक सहेली है, वो भी मेरे साथ जन्म लेने वाली है। हम 2 जुड़वा पहने वहाँ पर उनके जीवन में आने वाले हैं समंथा के, ऐसा उसने कहा। और उसने ये कहा एलेक्सेंड्रिया ने कि मैं जब अपने जीवन में आ जाऊँगी, मेरा जब वो जीवन शुरू हो जाएगा मेरे माँ के साथ, मेरे माँ के गर्भ में, उसके बाद जब मेरा जन्म हो जाएगा इस दुनिया में, तब बहुत सारी चीज़ें एलेक्सेंड्रिया जैसे ही होगी, पहले जैसे एलेक्सेंड्रिया का जैसे स्वभाव था उसके जैसे गुण होंगे, तकरीबन बहुत सारे गुण जो होंगे उसके वो उसके जैसे ही होंगे, तो इस वजह से मेरी माँ मुझे आराम से पहचान सकती है। लेकिन ये सारी चीज़ें कितनी भी हमारे सामने क्लियर तरीके से आए हमें उस पर यकीन नहीं होगा। लेकिन सिर्फ एक महीने के बाद एलेक्सेंड्रिया की माँ को समंथा को पता चला कि वो गर्भवती है और बाद में दोस्तों 9 महीने के बाद उसका जन्म हुआ, उसको 2 बेटियों का जन्म हुआ। और बाद में दोस्तों उसने सीधे ये कहा है कि उनमें से एक जो बेटी थी वो सेम एलेक्सेंड्रिया जैसी ही थोड़ी बहुत दिखती थी, तकरीबन 50-60-70% उसमें साम्य था और उसकी जो आदत है या फिर जो भी उसके अच्छी चीज़ें उसको लगने वाली है वो सेम एलेक्सेंड्रिया जैसी ही थी। और इस वजह से उसका नाम उसने एलेक्सेंड्रिया 2 ऐसे रखा। और जो दूसरी बेटी थी वो अलग ही थी थोड़े, एक उसके साथ एलेक्सेंड्रिया जैसे उसका कुछ भी नहीं था, तो उसका नाम उसने मारिया रखा। और जैसे जैसे एलेक्सेंड्रिया 2 बड़ी होती गई उसके जैसे वो सेम उसको लगा ही नहीं कि उसकी बेटी कभी उससे बिछड़ी है। ये जो कहानी है वो हमें ये सिखाती है, कहीं ना कहीं मैं समंथा को खुशनसीब मान सकता हूँ क्योंकि उसकी बेटी फिर से उसके जीवन में आई। हम सब लोग जिन्होंने किसी अपने को खोया है, जिन्होंने अपने बच्चों को खोया है, उनके साथ हमेशा ही ऐसा होगा, ऐसा नहीं है। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं एक आशा है कि किसी जन्म में हमारे बच्चे बनकर फिर से लौट आएंगे। तो इस तरह से दोस्तों मैं आपको सच कहूँ तो हमारा जो असली का प्यार होता है, जो सच्चा प्यार होता है, वो हमसे कभी भी बिछड़ नहीं सकता। एक दिन हमारी उनके साथ ज़रूर मुलाकात होगी। इस वजह से आप ज़रा भी चिंता मत करना। हाँ, आज वो थोड़े से हमसे दूर है लेकिन फिर भी ये गुंजाइश है, फिर भी ये संभव है, बहुत ज़्यादा संभव है कि हम उनके साथ एक बहुत ही अच्छी ज़िंदगी जी सकते हैं और हमारे सारे सपने उनके साथ पूरे ज़रूर होंगे। दोस्तों आज के इस भाग को लेकर अगर आपके कोई भी सवाल हो तो आप ज़रूर पूछें, जितना हो सके मैं उसका आपको जवाब देने की कोशिश करूंगा। हम अपने अगले वीडियो में मिलते हैं। आप अपना अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ज़िंदगी की रोशनी ये संस्था ऐसे लोगों के लिए काम करती है जिन्होंने किसी अपने को खोया है या फिर जो लोग अपनी ज़िंदगी में बहुत ही ज़्यादा दुखी है। जो लोग इस संस्था से जुड़ते हैं उनको तकरीबन 50 किताबें भेजी जाएगी उनके व्हाट्सएप पर या फिर ईमेल पर। ये किताबें आत्मलोक या फिर मौत के बाद हमारे साथ क्या होता है इन सारी चीज़ों की आपको पूरी तरह से जानकारी देगी। और इसके साथ साथ आपको एक पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी की ऑडियो भी भेजी जाएगी। इस ऑडियो की मदद से आप घर बैठे अपने पास्ट लाइफ रिग्रेशन करने की कोशिश कर सकते हो। बहुत लोग पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपिस्ट के पास किसी कारण के वश नहीं जा सकते, तो ऐसे लोगों के लिए मदद के लिए ये ऑडियो तैयार की गई है। तो आप ज़रूर इस संस्था से जुड़े। इस संस्था से जुड़ने के लिए सामने जो व्हाट्सएप का नंबर दिया है आप कृपया उस पर संपर्क करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।